channel Deepika Meditation Power. मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की। ड्रग एडिक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही पेनफुल अपने आप में लगता है। जो लोग इस समय इस एडिक्शन से गुजर रहे हैं या पहले गुजर चुके हैं, उनके लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही होगी। मैं या आप उस पेन को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे जितना कि वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, बदलती हुई सोसाइटी, सब कुछ जल्दी पा लेने की चाह, ये सब ड्रग एडिक्शन के कारण है। हमारे देश में छोटे बच्चे स्कूल से ही ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। पहले वे 5 सुपारी का सेवन करने लगते हैं, धीरे धीरे वो गुटखा का सेवन करने लगते हैं और थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो वे अल्कोहलिक हो जाते हैं या फिर वो अन्य ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, कोकेन या हेरोइन या अन्य बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। हमारे भारत जैसे देश में ड्रग्स एडिक्ट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत ही शॉकिंग भी है और बहुत ही चिंताजनक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश की जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो एक गलत राह पर जा रहे हैं। या हम ये कहें कि वो मौत की राह पर जा रहे हैं। दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, कोलकाता जैसी बहुत सी बड़ी सिटीज और कुछ अन्य छोटी सिटीज, गांव, कुछ भी, वे सब जो हैं वो ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। सोसाइटी के साथ साथ उनकी फैमिलीज के लिए, उनकी रिलेटिव के लिए, रिलेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उनकी फिजिकल एंड मेंटली ग्रोथ पर भी असर पड़ता है, हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि यदि किसी के घर में ऐसा कोई बच्चा या कोई बड़ा ड्रग का एडिक्ट हो रहा है तो वो कैसे पहचाना जाएगा। जो ड्रग्स लेते हैं वह उनके कुछ लक्षण होते हैं, ना तो वो ठीक से बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो सडनली चेंज हो जाती हैं, लेज़ी हो जाते हैं या वो आपसे हिंसा पर भी उतारू हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो करने लगते हैं, जैसे कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो आपसे बार बार मनी की डिमांड करने लगेंगे। तो हमारी फैमिलीज को और हमारी सोसाइटी को दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकालें, इस ड्रग एडिक्शन से बाहर निकालें। फ्रेंड्स, जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, अपर्स, डाउनर्स एंड हेलुसिनोजेन्स। जो अपर्स होते हैं, जब वो ड्रग्स लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री जो है वो फील कर रहे हैं, परंतु असल में ऐसा होता नहीं है। परंतु ये बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई होती हैं कि जब वो ड्रग्स लेते हैं तो उन्हें स्ट्रेस फ्री फील होता है या उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है या उन्हें स्ट्रेस से मुक्ति मिल रही है या उन्हें नींद अच्छी आ रही है। जो डाउनर्स होते हैं, जब वो ड्रग्स लेते हैं, कोकेन है, हेरोइन है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है और नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई है। जो थर्ड होते हैं
हेल्यूसिनोजेंस, उन्हें ऐसा लगता है कि वे भ्रम में जीते रहते हैं, फैंटेसीज में जीते हैं और उनके माइंड में ये चलता रहता है कि जब तक वो ड्रग्स लेते रहेंगे तो उनको अच्छी नींद आएगी या वो फैंटेसीज में जीते रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये कुछ समय के लिए चीज़ें होती हैं परंतु धीरे धीरे इन चीज़ों की आपको लत लगती जाती है जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो फ्रेंड्स, हमें इन चीज़ों से बचना होगा, इन चीज़ों को अपने आप से अलग करना होगा और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को फिजिकली तैयार करना होगा कि आप इस चीज़ से, इस नशे की लत से बाहर आना चाहते हैं। आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाना होगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी लानी होगी और हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी की और सबसे ज़्यादा फैमिलीज की जिनमें ये बच्चे ड्रग का एडिक्शन करते हैं या ड्रग्स का एडिक्ट हो चुके हैं, तो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमें ये जानना होगा कि जो बच्चे एडिक्ट हैं, हमारी फैमिलीज की, हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमें उन्हें रिहैब सेंटर्स के बारे में बताना होगा, हमें उन्हें समझाना होगा कि ड्रग एडिक्शन होने से या ड्रग के एडिक्ट होने से तुम्हें क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या नुकसान हो रहे हैं, और मेडिटेशन से, योगा से आप इस चीज़ को, एडिक्शन को कम कर सकते हैं। और आपको किसी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि आपको सही दिशा दिखाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा समाज, हमारी फैमिलीज, हमारी सोसाइटी, इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सभी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस ड्रग एडिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड कीप स्माइल, स्टे फिट एंड सेव वाटर। थैंक यू।